गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप सभी? वीनर्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है. गुड मॉर्निंग राधा, मिस क्यूटी, विष्णु. गुड मॉर्निंग श्रीकांत जी. बिल्कुल अनु, टाइम हो गया और हम आज जल्दी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये चैप्टर आज हमारा फाइनली खत्म हो जाएगा. ठीक है, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सभी को. जल्दी जल्दी से लाइव आइए, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं. गुड मॉर्निंग संदीप, दीक्षा, भाग्यश्री. मैं अनु बिल्कुल बहुत अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी सब बढ़िया होंगे एकदम. राहुल गुड मॉर्निंग, दीक्षा गुड मॉर्निंग. चलिए गाइस, तो स्टार्ट करें फिर फटाफट से. आप सभी को जैसे पता होगा, कल हमने, जो बच्चों ने कल का क्लास नहीं लिया था, मैं उनको एक बार बता दूं, कल हमने एनिमल किंगडम या जंतु जगत स्टार्ट किया था, है ना, जंतु जगत. अब जो टॉपिक आज हमारा पढ़ने का है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल भी बोर होने जैसा नहीं है, है ना. इसके एग्जाम्पल के साथ मैं आपको आज ये भी चीज़ें बताऊंगी, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और देखते हैं आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है गाइस, तो गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, जय श्री कृष्ण. एंड स्टार्ट करते हैं टॉपिक को. तो गाइज, हमने कल ये चीज देखी थी कि जंतु जगत में, जंतु जगत को या एनिमल किंगडम को हमने मोटे तौर पे दो भागों में बांटा था, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ. प्रोटोजोआ का मतलब क्या हो रहा था, सारे के सारे सूक्ष्म जीव प्रोटोजोआ के अंतर्गत आ रहे थे, जिसमें अमीबा, पैरामिशियम, युगलीना, वो चीजें थी. फिर हमने कल स्टार्ट कर दिया था मेटाजोआ. मेटाजोआ जो होता है, इसका मतलब होता है बहुकोशिकीय जीव. अब जो वो मेटाजोआ था, उसको हमने फिर दो भागों में बांटा था, पहले ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, और दूसरे ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है. तो जिनमें नहीं पाई जाती, उनको हम अकशेरुकी बोलते हैं, या इंग्लिश में हम उनको इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं, या उनको हम नॉन कॉर्डेट्स के नाम से भी जानते हैं. और जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उनको कशेरुकी जंतु या वर्टिब्रेट जंतु या कॉर्डेटा के नाम से हम जान रहे हैं. ठीक है, ठीक है, थैंक यू मनीषा. चलिए, सो गाइस देखिए, यहाँ पर पहला जो संघ था, कल हमने पढ़ा था संघ पोरीफेरा. पोरीफेरा का मतलब क्या था, पोरीफेरा के अंतर्गत सारे के सारे स्पंजेस आते हैं, सारे स्पंज. स्पंज का मतलब छिद्रित जंतु. तो कल हमने ये चीज देखी थी कि पोरीफेरा में पोर का मतलब था छिद्रित, और फेरन मतलब एनिमल्स, तो इनको हम पोरस एनिमल या छिद्रित जंतु के नाम से जानते हैं. सारे के सारे पोरीफेरा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप से दिखते हैं, लंबे लंबे से, कुछ फैले हुए और कुछ फूले हुए से, इस टाइप से. सारे के सारे पोरीफेरा जंतु जो होते हैं, समुद्री होते हैं, चट्टानों के ऊपर चिपके हुए रहते हैं, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हैं, चलते नहीं हैं. छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, उसको ऑस्टिया कहते हैं, बड़े छिद्रों को ऑस्कुलम कहते हैं. छोटे छिद्रों से पानी अंदर आता है, बड़े छिद्रों से बाहर चले जाता है. और इसके उदाहरण क्या क्या थे, तो देख लें आप, इनके उदाहरण हमने कल पढ़े थे, आपका स्पॉन्ज, स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, साइकॉन, इतने सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी. चले अब आगे देखिए हम, तो पोरीफेरा के बाद दूसरा हमने पढ़ा था सिलेंट्रेटा. तो सिलेंट्रेटा के उदाहरण देखें, कल मैंने आपको बताया था ये जीव जो होते हैं इस टाइप से काफी पतले होते हैं, इनके शरीर से लंबे लंबे टेंटिकल्स निकलते हैं, है ना. और ये दो टाइप में पाए जाते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा. मेड्यूसा चलने फिरने वाले होते हैं, जैसे जेलीफिश, जेलीफिश है, ओरेलिया है, ओबेलिया है, ये इसके एग्जाम्पल है. तो गाइज, इसमें मैंने कल आपको एक और एक फैक्ट बताया था कि ये जो फाइसेलिया होता है ना, इसको पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं. क्या कहते हैं, पुर्तगाली युद्धपोत, पुर्तजीयस मैन ऑफ वॉर के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मछलियां जो रहती है या ये जो प्रजाति है, एक साथ किसी एनिमल पर अटैक कर देती है, उसको खाने का काम करती है. सिलेंट्रेटा के बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था प्लेटी हेलमेंथिस. प्लेटी का मतलब क्या होता है, प्लेट से याद रखना चपटे, है ना. सो प्लेट का मतलब फ्लैट टाइप के. सो ये चपटे क्रमी कहलाते हैं. इनका शरीर आगे और पीछे से पूरी तरह से चिपका हुआ होता है, इनमें किसी प्रकार की गुहा नहीं पाई जाती है, है ना, इनमें किसी प्रकार की बॉडी के अंदर कैविटी नहीं होती है, चिपके हुए जंतु होते हैं. और मुख्य रूप से ये परजीवी होते हैं, मतलब दूसरे के शरीर में जाके, परजीवी या पैरासाइट का मतलब होता है दूसरे के शरीर के अंदर जाना और उनको नुकसान पहुंचाना, है ना. सहजीवी और परजीवी में यही अंतर होता है. सहजीवी का मतलब होता है कि आपके साथ रहेंगे पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर परजीवी का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर या बाहर रहेंगे और आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. तो ये मुख्य रूप से परजीवी होते हैं, है ना, और ये मनुष्य के अंदर तथा सुअर वगैरह के अंदर भी बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं. इसके कुछ उदाहरण में मैंने आपको बताया था फेसिओला हैप्टिका.
जिसको लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। और ये जो प्लेटी हेलमेंथी से, इसमें उत्सर्जन ज्वाला कोशिका से होता है, फ्लैम सेल से उत्सर्जन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका, है ना। इसके कुछ और उदाहरण मैंने आपको बताए थे, टीनिया नाम का जो उदाहरण था वो भी इसका था, और फेसियोला मतलब यकृत फ्लूक भी इसी का एग्जाम्पल था। चले गाइस, अब आगे देखें। ये था स्केल हेलमेंथीस, जिसको हमने निमेटोडा कहा था। नीमा से याद रखना धागा। तो ये जो जंतु होते हैं बेलनाकार पतले से लंबे से होते हैं, है ना, जो कि गोल और बेलनाकार होते हैं। ये भी परजीवी होते हैं। इसका एक उदाहरण मैंने बताया था आपको, एस्केरिस, है ना, जो लंबा सा दिखता है और कोने से मतलब सिर वाले हिस्से से और पूंछ वाले हिस्से से नुकीला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्केरिस, जिसमें नर जो होता है मादा से छोटा होता है। चलेगा इस, तो आगे हम देखें फिर। एनीलिडा तक हमने कल बात कर ली थी, तो यहां तक का थोड़ा सा हो सकता था कि आपको समझ में नहीं आए, पर अब जो टॉपिक स्टार्ट होगा आर्थ्रोपोडा से, बहुत अमेजिंग टॉपिक है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखना है यहां पर, एनीलिडा जो होते हैं ये भी लंबे होते हैं, इनको खंडित जीव भी कहते हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं। काफी गीले से दिखाई देते हैं, जैसे केचुआ। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, केचुआ किस संघ का सदस्य है, केचुआ एनीलिडा का सदस्य है। ये कंठस्थ कर लें आप, ये याद कर लें। तो जोंक है और केचुआ इसके मुख्य जीव है, है ना। इनका शरीर जो होता है खंड खंड के रूप में विभक्त होता है, शरीर पर क्यूटिकल निकलते रहता है, इसलिए वो लस लस या गीले गीले से वो एनिमल दिखाई देते हैं, ठीक है। इनमें श्वसन जो होता है त्वचा से होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, केचुए का श्वसन अंग क्या है, आप क्या लगाएंगे, स्किन, त्वचा। त्वचा से सांस लेते हैं केचुए, किससे सांस लेते हैं, स्किन से सांस लेते हैं। चलिए, तो उदाहरण में मैंने कल आपको बताए थे ये केचुआ है, देख सकते हैं आप इनकी त्वचा गीली सी दिखाई दे रही, गीले गीले से दिखते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्यूटिकल होता है और शरीर खंडों में विभक्त होता है, छोटे छोटे सेगमेंट्स के फॉर्म में ये क्या होता है, शरीर जो है अलग अलग दिखाई देता है। चले गाइस, तो आज हम फिर अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा, समझना आप इसको, ठीक है। देखना, पहले मैं यहां समझा दूं, अगला जो संघ है उसका नाम है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। अब इसका मतलब क्या है इसको समझें हम, है ना। देखो यहां पर आर्थ्रो का मतलब होता है जुड़े हुए, जुड़े हुए, एंड पोडा का मतलब होता है पैर, ठीक है। आर्थ्रो इक्वल्स टू जॉइंटेड एंड पोडा इक्वल्स टू फिट या फूट आप बोल सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे जुड़े हुए पैर, इसका क्या मतलब है, तो देखना समझना आप लोग। ये जो संघ है आर्थ्रोपोडा, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आपके जो अकशेरुकी जंतु है ना, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है या फाइलम है। उसका कारण क्या है मैं बताती हूँ। उसका कारण ये है कि इसकी जो प्रजाति है आर्थ्रोपोडा की, ये जल में भी होती है, थल में भी होती है और वायु में भी। ये जो जीव है ये तीनों जगह, वाटर, लैंड एज वेल एज एयर में भी पाए जाते हैं। और ये जो एनिमल होते हैं आर्थ्रोपोडा के, इनके शरीर में तीन जोड़ी से ज्यादा पैर पाए जाते हैं। तो गाइस अब आप समझ सकते हो कि सारे कीड़े मकोड़े किसके अंतर्गत आते हैं आर्थ्रोपोडा में। जिन जीवों के शरीर में तीन जोड़ी से ज्यादा पैर पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में आते हैं। मुख्य रूप से आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, इनका जो शरीर रहता है वो तीन खंडों में विभक्त होता है। इनमें एक तो सिर होता है, दूसरा धड़ होता है और तीसरा एब्डोमिन वाला पोर्शन होता है, पीठ वाला हिस्सा या उदर वाला हिस्सा। और इनके शरीर में तीन जोड़ी से ज्यादा पैर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे, सो एक तो चींटी हो जाएगा, है ना। इसके अलावा मकड़ी, मकड़ियों के भी क्या होते हैं, तीन जोड़ी से ज्यादा पैर हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये तो हो गया लैंड पे, ये हो गया हवा में। इसके अलावा और क्या क्या, पानी के अंदर तो केकड़ा, केकड़ा किसके अंदर आ जाएगा, केकड़ा जो होगा इसकी भी बॉडी क्या होती है, इसमें भी दो जोड़ी से ज्यादा पैर पाए जाते हैं, है ना। थैंक यू सोहम। तो गाइस यहां पर ये चीज याद रखना, आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जुड़े हुए पैर। ऐसे जंतु या ऐसे एनिमल जिनके तीन जोड़ी से ज्यादा पैर पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में आते हैं। ये जल में भी है, थल में भी है, वायु में भी है। इनके शरीर बहुत सारे, ये जीवों का शरीर तीन भागों में तो कम से कम बटा होता ही है, है ना। तो ये पानी में भी कौन सा, झींगा आपने देखा होगा, झींगा को प्रॉन कहा जाता है, प्रॉन भी इसी की कैटेगरी में आता है,
ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको, चींटी है, मच्छर है, तो ये जितने भी एनिमल्स हैं ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं, 3 जोड़ी से ज्यादा पेयर देखने को मिलते हैं। चलो अब थोड़ा सा इसको समझ ले हम, इधर देखना, इस संघ के जंतु जल में, थल में और वायु में तीनों जगह पाए जाते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है किस संघ के जीव जल थल वायु में पाए जाते हैं, तो आप लगा सकते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा याद रखना, इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए बोल रही हूँ। आपको जनरली एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कॉकरोच किस संघ का सदस्य है, तो आपको अब सिर्फ क्या करना है, जानवरों के आकार को याद करना है कि यार कैसा दिखता है, उस हिसाब से आप संघ लगा लोगे कि बहुत सारे पेड़ होते हैं तो मतलब वो आर्थ्रोपोडा में जाता है। इनका शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा रहता है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमिन, तीन पार्ट में बटा रहता है ना। इनके ऊपर बाह्य कंकाल पाया जाता है जो कि काइटिन का बना होता है। तो देखना आप एक चीज याद रखना, कॉकरोच जो है उसके अंदर हड्डियां तो नहीं होती है पर उसका आकार होता है, और वो अगर आप उसको पैर भी रख के देखोगे तो आपको आवाज आएगी कि जैसे प्लास्टिक जैसी, वो किसके कारण आती है, काइटिन की। तो इनके ऊपर काइटिन का बना हुआ बाह्य कंकाल होता है ना। सो आगे देखना आप, इनके शरीर में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खुला परिसंचरण का मतलब क्या होता है मैं बताती हूँ, देखना हमारे शरीर में खून किस में बहता है, नसों के अंदर बहता है, धमनी में, शिराओं में। इनके अंदर नसें नहीं पाई जाती, इनके अंदर सिर्फ क्या होता है, शरीर जो होता है उसमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। देखो मैं बताती हूँ, जैसे सिंपल सी बात है, ये मच्छर है, क्या है ये, मच्छर। अब मच्छर की ये जो शरीर रहेगा, आप इसके अंदर क्या नसें होंगी, क्या धमनी शिराएं होंगी, क्या नहीं, आप जब इसको मारते हो तो ये फटाक से खून जो है बाहर आ जाता है। क्यों बाहर आ जाता है, इसका ये जो शरीर है ना, इसके अंदर खून सिर्फ भरा हुआ होता है, एक शरीर की गुहा होती है जिसमें खून जो है वो भरा हुआ है, इसीलिए इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या खुला परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। खटमल है या आपके जितने कीड़े मकोड़े हैं सब में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब जो रक्त है वो शरीर की गुहा के अंदर जस्ट भरा होता है, नसों में बहता नहीं है। चल आगे देखें, इनके अंदर अब उदाहरण आप देख ले, उदाहरण में कुछ बता देती हूं, बिच्छू है, मकड़ियां हैं, झींगा है। अब एग्जाम में झींगा और कॉकरोच से क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो झींगा है, केकड़ा है ना, मक्खियां हैं, और बाकी मच्छर और सारे कीड़े मकोड़े किस में आ जाएंगे, आर्थ्रोपोडा में, ठीक है, आर्थ्रोपोडा के ही सदस्य होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसके एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ आपको, देख लें बोर्ड पे। तितलियाँ, इनका भी शरीर 3 भागों में बटा है, 2 जोड़ी से ज़्यादा पैर आपको सभी में दिखाई दे रहे हैं, सो ये किस में आ जाएंगे, आर्थ्रोपोडा में। क्लियर है ये, ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चले आगे देखें, तो आर्थ्रोपोडा के बाद नेक्स्ट आता है मोलस्का। मोलस्क जीव क्या होते हैं, मैं लास्ट में सभी से क्वेश्चन करूंगी, इसलिए ध्यान से आप चैप्टर देखना है ना। मोलस्क क्या होते हैं तो समझना, मैं बताती हूं आपको, देखें नेक्स्ट संघ है मोलस्का। अब यहां पर मोलस्क से आपको याद रखना है नरम जंतु, क्या याद रखेंगे, सॉफ्ट एनिमल, क्या याद रखेंगे, सॉफ्ट एनिमल या नरम जीव। अब समझना, आप नरम जीव का मतलब है इस संघ के सदस्य जो होते हैं इनका शरीर बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, नरम होता है, और इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि वो बहुत कमजोर शरीर होता है, और ऐसे जीवों के शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कवच पाया जाता है या आवरण होता है जिससे कि वो अपने शरीर का प्रोटेक्शन कर सके। अब आप याद करो, आप मुझे बता सकते हैं, थैंक यू निशु, संध्या, साधना जी, जूलॉजी वाला पोर्शन ज़्यादा आता है बॉटनी के कंपेयर में, ठीक है, फिश इसी में नहीं आती है मनोज, फिश के अंदर हड्डियाँ होती है ना, अभी हम जो जानवर पढ़ रहे हैं, जितने एनिमल्स पढ़ रहे हैं बिना हड्डी वाले पढ़ रहे हैं, तो फिश किस में आएगी, कशेरुक जंतु में, जो आगे हम देखेंगे, ठीक है। चले अब देखिए यहाँ पर, तो मोलस्का का मतलब होता है नरम जीव जिनके ऊपर किसी प्रकार का आवरण पाया जाता हो। अब देखिए मैं कुछ उदाहरण आपको बताती हूँ, आपने, मैं कुछ डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, आप बताएं आपने ये देखा है क्या। ये एनिमल देखा है क्या, नेक्स्ट मुझे बताओ, ये एनिमल देखा है,
बताएं जल्दी जल्दी से, ये एनिमल्स देखे हैं आप लोगों ने? ये एनिमल देखा है? बिल्कुल सही निधि, बिल्कुल सही। इसको पाइला कहते हैं हम। क्या कहते हैं? पाइला। हिंदी में कहा जाता है घोंगा। क्या कहते हैं? घोंगा। इसके बाद ये क्या है? ये स्नेल है। क्या है? स्नेल। इसके अलावा ये क्या है? ये सीप है। क्या है? सीप। अब यहां पर एक चीज समझना आप, यहां पर एक चीज समझना आप, ये एनिमल जो मोलस्का होते हैं, इनका शरीर क्या होता है? इन जानवरों का शरीर बहुत नरम होता है। कछुआ इसमें नहीं आएगा बेटा। कछुआ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कछुए के शरीर के अंदर हड्डियां होती है और वो हम कशेरुकी जंतु में पड़ेंगे। तो यहां पर देखो आप कि ये जंतुओं में ना तो हाथ पैर कुछ भी नहीं दिख रहे हैं आपको, बस इनका नरम सा शरीर होता है जिसके ऊपर एक मोटा सा कवच बना होता है या कवरिंग होता है जो कि इनकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। इसमें एक और जंतु आता है जिसको पहचाने आप, किसकी बात कर रही हूं मैं? थैंक यू सो मच निजाम। हो सकता है गोच बोलते हूं। चले आगे बताएं। तो ये क्या है? ये है ऑक्टोपस। क्या है? ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस भी किसकी कैटेगरी में आता है? मोलस्का के अंतर्गत आता है। ठीक है, सो यहां पर देखें आप, ऑक्टोपस जो है इसके ऊपर घोंगे के ऊपर और सीप और यहाँ तक स्नेल, इनके सभी के ऊपर एक मोटा सा कवच होता है। अब आप बोलोगे कि मैम ऑक्टोपस के ऊपर ऐसा मोटा सा कुछ नहीं दिखता है, पर होता है, दिखता नहीं है पर है। इनके सभी के ऊपर का ये जो आवरण है ना, इसको मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल। तो इन सभी का जो स्किन है काफी ज्यादा अंदर से नरम होता है और उसके ऊपर एक मोटा सा आवरण पाया जाता है जो कि इनकी सुरक्षा करने का कार्य करता है। जनरली मोलस्का जो होते हैं, अच्छा एक और चीज याद रखना, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेविल फिश। ठीक है, पिशाच मछली के नाम से जानते हैं ऑक्टोपस को। अब जनरली ये जो जीव रहते हैं, इनका जो रक्त होता है वो नीले रंग का होता है। क्या होता है? रक्त नीला। ये चीज याद रखेंगे आप, रक्त नीला होता है। ब्लड जो होता है ब्लू कलर का होता है। किसका? ऑक्टोपस का। तो ये जो है मोलस्का, इनमें जीवों का ब्लड जो है अलग अलग कलर का होता है। किसी में ग्रीन भी हो सकता है, किसी में ब्लू भी हो सकता है, किसी में रेड भी हो सकता है। हरा नीला अलग अलग कलर के इनमें खून पाए जाते हैं। खैर, इसका जो रक्त है ऑक्टोपस का नीला क्यों होता है? उसके रक्त के अंदर हीमोसाइनिन होता है, इसीलिए वो नीला होता है। जैसे हम लोगों का खून लाल क्यों है? हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। वैसे ही ऑक्टोपस का रक्त नीले रंग का होता है, उसमें हीमोसाइनिन होता है और हीमोसाइनिन के अंदर कॉपर या तांबा पाया जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिन जीवों का रक्त नीले रंग का होता है क्या कौन सी धातु होती है उसमें कॉपर या तांबा होता है। क्लियर है? सो गाइज, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम इधर समझते हैं, देखना। सो यहां पर देखिए आप, ये जीव अधिकांश रूप से समुद्री होते हैं। मोलस्का के जो एनिमल्स है, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इनके ऊपर कैल्शियम का आवरण पाया जाता है, मयूर, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट भी आप बोल सकते हैं, CaCO3। सो इनके अधिकांश जीव जो है समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, जैसे घोंगा जो है आपको पानी में भी मिल जाता है। ये जो इनका शरीर होता है खंडहीन, इनमें आपको क्या सिर दिख रहा है? क्या हाथ पैर दिख रहे हैं? क्या नहीं दिखते? घोंगा है, सीप है जिसमें मोती बनता है वो, तो सभी जो है इसमें किसी प्रकार के अंग नहीं होते हैं। ये नरम जंतु है। अधिकांश जो होते हैं वो स्लो चलते हैं, धीरे धीरे चलने का काम करते हैं। इनके शरीर पर एक पतली सी झिल्ली जिसे मेंटल कहते हैं पाई जाती है। मेंटल के चारों तरफ एक कठोर सा कवच या शेल पाया जाता है। ठीक है, इनकी आहार नाल यू आकार की होती है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है, पर इनका रक्त जो होता है नीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, रंगहीन भी हो सकता है, बिना कलर का भी हो सकता है। हीमोसाइनिन नामक वर्णक के कारण इनका जो रंग के कारण जो इनका रक्त होता है वो नीला रंग का दिखाई देता है। उदाहरण है पाइला, पाइला मतलब घोंगा। उसके बाद है ऑक्टोपस जिसको डेविल फिश कहते हैं हम। सीप आ जाएगा, सीप मतलब यूनियो जिसके अंदर नॉर्मल एक छोटा सा कीड़ा होता है, और ऑयस्टर भी बोल सकते हैं, ऑयस्टर जिसमें मोती का उत्पादन होता है। ठीक है,
मनोज जी आप बोल रहे हैं जेल प्रहरी का कोर्स ज्वाइन करना है आपको, तो बिल्कुल देखो आप विनर्स का ऐप ज्वाइन कर लो, विनर्स ऐप जो है वो डाउनलोड कर लो, वहाँ से आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। एक बार डाउनलोड कर लो और आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल कर लो, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए सो मोलस्का के कुछ उदाहरण आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो स्नेल, इसके ऊपर भी मोटा सा कैल्शियम का बना हुआ ये कवच होता है। यूनियो, ये जो सीप है आपको रेती के अंदर जनरली छोटी और बड़ी कैसी भी मिल जाती है, हर सीप के अंदर मोती नहीं बनता है ना, ये नॉर्मल सीप है जिसमें कीड़ा होता है बस। स्लग मतलब आपका ये एक प्रकार का स्नेल ही है, और ये ऑक्टोपस, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है मैम जी, मोलस्का क्या उभयचर है? बिल्कुल गलत, उभयचर जो होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं। मयूर एक चीज समझो आप, हमने जंतु जगत को दो भागों में अभी बांटा है, जिसमें बिना रीढ़ की हड्डी वाले और दूसरे रीढ़ की हड्डी वाले जानवर होते हैं। तो जो बिना रीढ़ की हड्डी है उसमें हम ये सारे जानवर पढ़ रहे हैं, जिनको अकशेरुकी कहते हैं, तो हम सारे इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो आपका एम्फीबिया है या उभयचर है वो वर्टिब्रेट्स में आएंगे। ठीक है, आगे देखें आप, आगे देखना। सो ये था, और लास्ट अब देखना है हमको इकाइनोडर्मेटा। मयूर मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगी, अभी आप यहां पर थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करना। चले सो गाइस, अभी हमने आज दो देख लिए है ना, पहले तो अभी हमने पढ़ा आर्थ्रोपोडा, मतलब जिनके तीन जोड़ी से ज्यादा पैर हो वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। उसके बाद जो नरम जंतु है जिसके ऊपर एक कवच पाया जाता है उसको मोलस्का कहते हैं। अब तीसरा समझो आप, तीसरा जो है यहां पर उसका नाम है इकाइनो डर्मेटा। इकाइनो डर्मेटा, इसको समझना थोड़ा सा, इसका मतलब क्या होता है। देखो इकाइनो का मतलब होता है कांटे, कांटे युक्त, और डर्मा का मतलब होता है त्वचा। क्या होता है? त्वचा। तो ये जो एनिमल होते हैं इकाइनोडर्मेटा के, इनके जनरली एनिमल के शरीर के ऊपर कांटे पाए जाते हैं। कांटे मतलब किस टाइप से, मैं बताती हूँ। अब कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर सेही के बारे में नहीं बोलेगा कि मैम वो कांटे वाला एनिमल जो होता है जू में देखने को मिलता है। अरे भैया उसके शरीर में रीढ़ की हड्डी है, वो जानवर जैसे दिखाई दे रहे हैं। अभी आप जो एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हो, ना तो इनके हाथ पैर हैं, ना तो इनका प्रॉपर मुंह है, कोई विकसित है ही नहीं, क्योंकि हम इनवर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं या नॉन कॉर्डेटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है? ऐसे जानवर या ऐसे एनिमल्स जो जिनके ऊपर कांटे युक्त त्वचा होती है। ये मुख्य रूप से इकाइनोडर्मेटा भी समुद्री होते हैं, अभी जितने हम एनिमल पढ़ रहे हैं ना मुख्य रूप से वो समुद्री ही है। ठीक है, सो ये भी समुद्री होते हैं। इनका शरीर जो होता है किस टाइप से होता है? पेंटागोनल भी हो सकता है, हेक्सागोन भी हो सकता है, तारे नुमा आकृति का भी होता है। तो मुख्य रूप से जो इकाइनोडर्मेटा के सदस्य होते हैं उनका जो शरीर है वो अलग अलग आकृति का पाया जाता है। जैसे आपको जो सामने डायग्राम दिख रहा है वो किसका है? स्टार फिश का। क्या कहा जाता है इसको? तारा मीन भी बोल सकते हैं, और यहाँ स्टार फिश भी आप उसको बोल सकते हैं, तारा मछली। ठीक है, तो तारा मछली जो होती है जितनी सुंदर दिखती है उतनी वैसी होती नहीं है, मतलब दिखने में तो ये कैसी होती है, पंचभुजी और सुंदर सी दिखाई देती है, पर एक्चुअली इसकी जो स्कीन होती है ना उसके ऊपर छोटे छोटे कांटे जैसे संरचना होती है, आप उसको पकड़ नहीं सकते हो, आपके हाथ में वो चीज़ लग सकती है ना। नेहा अमीबा आपके प्रोटोजोआ में आएगा। ठीक है, चल अब आगे देखें, तो आगे देखें आप, ये जो इकाइनोडर्मेटा है इसका मतलब होता है कांटे युक्त त्वचा। तो ये जो जानवर होंगे जो इस संघ के अंदर आएंगे वो सारे समुद्री होते हैं। इनका शरीर गोल भी हो सकता है, तारे नुमा भी हो सकता है, मतलब ये सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, बेलनाकार भी हो सकते हैं, है ना, इसके अलावा स्टार शेप भी हो सकते हैं, और किसी भी आकृति के हो सकते हैं। इनके शरीर के ऊपर कांटे पाए जाते हैं, उदाहरण में आपको याद रखना है स्टार फिश, या आप उसको बोल सकते हैं तारा मछली, है ना, इसके सिर्फ उदाहरण आप याद रखना। एग्जाम में ये जरूर से पूछ लेते हैं तारा मछली या स्टार फिश किस संघ के सदस्य है, तो स्टार फिश जो है किसके अंतर्गत आती है? इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है, क्योंकि इकाइनो मतलब कांटे युक्त, तो डर्मा का मतलब होता है त्वचा, सुना होगा ना, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन रोग विशेषज्ञ, तो स्किन का मतलब स्किन को हम साइंस की लैंग्वेज में डर्मा कहते, तो स्टार फिश इसमें आ जाएगी। इसके अलावा भी कुछ और है, उसके नाम में लिख देती हूँ, एंटीडॉन,
एंटीडॉन इसमें आ जाएगा, कुकुमेरिया आ जाएगा। कुकुमेरिया जो होता है इसको सी कुकुम्बर या समुद्री ककड़ी भी कहते हैं। तो कुकुमेरिया है, तारा मछली है, एंटीडॉन है, ये इसके एग्जाम्पल है। एंटीडॉन को फेदर स्टार भी कहा जाता है, पंखों वाली मछली। एक्चुअली वो कैसी दिखाई देती है मैं आपको बता देती हूँ, कुछ इस टाइप से एंटीडॉन दिखाई देता है, पंख पंख जैसे दिखाई देते हैं और वो भी पांच या सात भुजाओं में वैसा बटा हुआ रहता है, फेदर्स दिखते हैं उसके ऐसे। बस ये है आपका एंटीडॉन। सो गाइस इसके सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है? बिल्कुल, समुद्री खीरा भी आप उसको बोल सकते हो, कुकुमेरिया को, सी कुकुम्बर कहा जाता है उसको। चल आगे देखें, इसके अब मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा बता देती हूँ। देखें, इकाइनोडर्मेटा, इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, इसका कोई अपवाद भी नहीं है कि जो साफ पानी में पाया जाएगा, सारे मराइन होते हैं, समुद्री होते हैं। इनमें जल संवहन तंत्र पाया जाता है, मतलब जल जैसे स्पंज में शरीर में जाता है ना, सेम इनके शरीर में भी जल तंत्र होता है। इनकी त्वचा के नीचे चूनेदार प्लेट या कैलकेरियस की प्लेट होती है, कभी कभी त्वचा के ऊपर कांटे पाए जाते हैं, तो ये भी कैलकेरियस के ही बने हुए कंटक होते हैं, या कांटे आप उसको बोल सकते हो। आगे देखें, और ये जो स्पाइन्स हैं या कांटे हैं, ये बाह्य कंकाल बनाते हैं। इन जीवों का दिमाग विकसित नहीं होता, इनमें मस्तिष्क नहीं होता है। अब जैसे तारा मछली आपको दिख रही थी, उसमें कैसे दिमाग कहाँ होगा, हृदय कहाँ होगा, कुछ भी नहीं होता है। इनमें उत्सर्जन के लिए अंग भी नहीं पाए जाते, इनमें उत्सर्जन भी नहीं होता है। पर इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, ये चीज़ है ना। इसके कुछ उदाहरण हैं आपका, एक तो हो जाएगा स्टारफिश, ठीक है, समुद्री अर्चिन, ऑर्चिन जिसको कहा जाता है वो, समुद्री खीरा जिसको कुकुमेरिया अभी मैंने लिखा था, कुकुमेरिया जो है सी कुकुम्बर उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये था, इसके उदाहरण देख लें आप। देखो स्टारफिश तो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये है स्टारफिश, ये एक टाइप का सी स्टार है, ठीक है, आपका बोल सकते हैं इसमें से सी कुकुम्बर कुछ इस टाइप से लंबा सा हो जाता है, सी कुकुम्बर, ठीक है। सी अर्चिन इस टाइप से होते हैं और ये सैंड डॉलर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आपको डायग्राम्स दिख रहे हैं, आपको सभी में दिख रहा होगा एक चीज़ कॉमन, कि शरीर के ऊपर कांटे कांटे जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर है पॉइंट्स, ठीक है। ये खाना कैसे खाते हैं आरती, देखो मैं बताती हूँ। स्टारफिश क्या करती है, पांच भुजाएं वाला मान लो ये स्टारफिश है। स्टारफिश धीरे धीरे गति करती है और किसी भी जानवर के ऊपर, मतलब छोटा सा कीड़ा या मछली जो होती है उसके ऊपर जाके ऐसी गिर जाती है। ये अपने दो उंगलियों को, मतलब जैसे ये दो उंगलियां मतलब दो भुजाएं, इस ऐसी ऊपर हवा में उठाती है और उसके ऊपर जाके गिर जाती है। और इसका जो स्टारफिश का नीचे वाला ये जो हिस्सा रहता है, यहाँ पर माउथ होता है ना, पांचों भुजाओं के जस्ट बीच में मुंह होता है उसके नीचे की तरफ। तो वो अपने मुंह से एक प्रकार के पाचक रस को निकालती है जो कि उस मछली वछली के ऊपर गिर जाता है, और उसको वो चूसने का काम करती है, बस उसके अंदर से उसको चूसती है और जितना वो चूस सकती थी पोषक तत्व वो ले लेती है और फिर वहां से चली जाती है। बस इसमें उत्सर्जन वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस ये है मिस क्यूटी, मैंने बता दिया। चलो सो देखो ये था इकाइनोडर्मेटा, और यहाँ तक आने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कॉर्डेटा के बारे में। कॉर्डेटा मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। सो गाइज अब देखना है यहाँ पर, अब ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि आपने जितने जानवर देखे होंगे सारे के सारे आप कॉर्डेटा में आएंगे। अभी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ लिया, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमेंथिस, नीमेटोडा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का और इकाइनोडर्मेटा। इतनी चीज़ें जो पड़ी है ना, ये सारे जानवरों में रीढ़ की हड्डी किसी में भी नहीं थी, किसी में भी ज़्यादा विकसित शरीर नहीं था, क्योंकि ये सब अकशेरुकी जंतु थे, ये नॉन कॉर्डेटा थे। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब ऐसे जंतु जिनको हम कशेरुकी बोल सकते हैं, वो जंतु जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। अब ये सारे जंतु सारे के सारे विकसित होंगे, है ना, और इनके शरीर में दिमाग भी अच्छे से विकसित होगा, चल फिर भी पाएंगे, आंख नाक मुंह सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। चलें अब आगे देखें, नॉन कॉर्डेटा हमारा खत्म होता है, कॉर्डेटा हमारा चालू होता है। चले देखो अब यहां पर बोर्ड पे, इस संघ के जंतुओं के लक्षण क्या क्या होंगे, देखना। इनके जीवन काल में किसी न किसी अवस्था में नोटोकार्ड पाई जाती है, जो आगे जाकर के विकसित होकर रीढ़ की हड्डी बनाती है। नोटोकार्ड क्या है मैं एक बात बता दूं आपको, पतला सा धागा होता है और फिर जैसे जैसे एनिमल विकसित होता है वही धागे के ऊपर जमा होते होते वो किस में बदल जाता है, रीढ़ की हड्डी में।
तो ये है मुख्य रूप से इनका यही है कि इनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इनमें परिसंचरण तंत्र विकसित होता है, क्लोज्ड टाइप का होता है। इनमें मस्तिष्क पाया जाता है जो भी काफी विकसित होता है। कहने का सेंस ये है कि ये बहुत ज्यादा विकसित जंतु है। अब इनका जो पहला टाइप है वो है मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग मतलब क्या होता है? मछलियां। तो चलो मछलियों को अपन फटाफट से समझ लेते हैं, ठीक है। देखें क्या बताया मैंने, अभी हमने स्टार्ट किया है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? कशेरुकी जंतु। अब कशेरुकी जंतु को हमने दो भागों में बांटा है। पहला भाग है मत्स्य मतलब मछलियां या फिशेस, और दूसरा जो भाग है उसे कहा जाता है टेट्रापोडा। क्या कहा जाता है? टेट्रापोडा। हिंदी में उसको कहते हैं चतुष्पादीय जंतु। चतुष्पादीय का मतलब होता है चार पैर वाले, और मछलियां अलग ही होती हैं। चलो अपन पहले मछलियों को पढ़ लेते हैं, फिर चार पैर वालों को पढ़ेंगे। चतुष्पादीय में आते हैं फिर उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। बस ये चार चीजें हमको इधर पढ़नी होगी, जिनके चार पैर होते हैं। हम लोगों के भी चार पैर है। चार पैर से मतलब हाथ भी अग्रपाद और पैरों को पश्चपाद कहा जाता है। बस ये बात अलग है कि हमने अब अपने हाथ पैरों को विकसित करके हाथों में बदल लिया, पर है तो चार ना। तो यहां देखो, पहले अपन समझते हैं मछलियों के बारे में। देखना, फर्स्ट है हमारा फिश। फिशेस को पाइसेस भी कहा जाता है ना। अब मत्स्य या मछलियां जो होती है इनके बारे में क्या क्या चीजें आपको जाननी है। देखिए मछलियां दो प्रकार की होती है। मछलियां दो प्रकार की होती है। पहली होती उपास्थिमय मछली और दूसरी होती अस्थिमय मछली। इसको समझना थोड़ा। उपास्थिमय और अस्थिमय का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कार्टिलिजिनियस फिश और इसका मतलब होता है बोनी फिश। एक चीज समझना आप, बोन और कार्टिलेज क्या होता है, हड्डी और उपास्थि में क्या अंतर है। हड्डियां बहुत ज्यादा कठोर होती है जो कि हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। उपास्थि जो होती है काफी ज्यादा नरम होती है, जिसका कार्य भी होता है आकार देना। जैसे आपके कान के जो बाहर वाले एरिया है, बाह्य कर्ण जिसको बोलते हैं, उपास्थि के बने होते हैं। इसमें हड्डियां नहीं होती है और ये लचीली होती है। तो कुछ मछलियों के अंदर हड्डियां नहीं पाई जाती, उपास्थि पाई जाती है। और कुछ मछलियों के अंदर, अगर आप नॉन वेजिटेरियन होंगे तो आपने आपको पता होगा, मछलियों के अंदर कांटे पाए जाते हैं। अंदर की तरफ हड्डी की जगह पर कांटे जैसी संरचना होती है कुछ इस टाइप से। पर देखो मछलियों में भी रीढ़ की हड्डी तो होती ही है ना। तो अब हमें कैसे पता चलेगा किस मछली में उपास्थि है और किस मछली में अस्थि है? एक बहुत अच्छा सा लक्षण है, मैं वो बताती हूँ आपको। जिन मछलियों के, समझना मैं क्या बोल रही हूँ, जिन मछलियों के शरीर पर, जिन मछलियों के शरीर पर इस प्रकार से शल्क पत्र पाए जाते हैं। शल्क पत्र को इंग्लिश में हम स्केल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केल्स। तो ये जिनके ऊपर भी स्केल्स पाए जाएंगे वो मछलियों में हड्डियां होती है, ठीक है। और जिनके ऊपर भी ये स्केल्स नहीं होते, जो चिकनी होती है मछलियां, वो मछलियां के अंदर मुख्य रूप से क्या होती है? उपास्थि होती है। क्या होती है? उपास्थि होती है उन मछलियों के अंदर, ठीक है। तो जो मछलियां मुख्य रूप से चिकनी होती है, वो मछलियां कैसी होती है, उनके अंदर क्या पाया जाता है? उनमें उपास्थि होती है। और जिन मछलियों के अंदर हड्डियां होंगी उनके ऊपर मुख्य रूप से शल्क पत्र पाए जाएंगे। तो जिनमें शल्क पत्र है, जिनमें स्केल्स है, वो मछलियां कैसी है? बोनी मछलियां हैं। और जो चिकनी रहती है, चिकनी मतलब कैसी होती है? बहुत ज़्यादा स्मूथ। वो मछलियों के अंदर क्या पाया जाएगा? उनमें होंगी उपास्थि। जैसे शार्क मछली, शार्क कैसी दिखती है? एकदम चिकनी सी दिखाई देती है। तो उसके अंदर भी कंकाल किसका होगा? उपास्थि का होगा। जबकि जो भी मछलियां खाई जाती है, जैसे रोहू मछली है, कतला है, ये मछलियां जो होती है इनके अंदर कांटे पाए जाते हैं। तो इसी से हम बता सकते हैं, है ना, कि मछली जो है वो किस टाइप से है। ये उपास्थि वाली मछली है और ये अस्थि वाली। कैसे पता चला? जो चिकनी मछलियां होती है उसमें उपास्थि होती है, और जो बोल सकते हैं जिसके ऊपर ये शल्क पत्र पाए जाते हैं वो कैसी होती है? कांटे वाली या हड्डी वाली मछलियां। अब जैसे वेल मछली है, वेल मछली के ऊपर शल्क पत्र दिखते हैं क्या?
नहीं, व्हेल मछली तो काफी चिकनी सी दिखाई देती है। तो व्हेल मछली के अंदर भी हड्डियों का कंकाल नहीं होता है, उसके अंदर भी किसका कंकाल होता है? उपास्थि का। तो ये भी चीज आपको जानने जैसी थी जो कि मैंने आपको बताई। अब देखना मछलियां कैसी होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, बिल्कुल दोनों मछलियों को खाया जा सकता है नेहा, कोई इशू नहीं रहता उसमें। ठीक है, कतला मृगला ये सब क्या है? हड्डी वाली मछलियां, बोनी फिश बोलते हैं। अब मछलियां जो होती है इसके कुछ लक्षण बता दूं। पहला पॉइंट, मछलियां जो होती है पानी में तैरने के हिसाब से अनुकूलित होती है। इनका शरीर तुर्करूपी होता है या स्पिंडल शेप होता है, मतलब नौकाकार, नौका के आकार का होता है। आगे और पीछे से थोड़ी सी नुकीली होती है जो कि पानी को आसानी से काट सके। मछलियां जो होती है मुख्य इसका जो पॉइंट है वो ये है, ये शीत रुधिर वाली होती है। कैसी होती है? शीत रुधिर वाली, मतलब कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब क्या होता है देखना, शीत रुधिर का मतलब होता है असमतापी जंतु। मछलियां जो होती है इनके शरीर का तापमान पानी के तापमान के हिसाब से बदल सकता है। हमारे शरीर में ऐसा नहीं होता है। देखो हम जो एनिमल्स है, हमारे शरीर का टेम्परेचर पानी पानी या हवा के हिसाब से बदलता नहीं। ऐसा नहीं कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो हमारा शरीर गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर का तापमान कांस्टेंट रहता है, वातावरण के हिसाब से बदलता नहीं है। पर मछलियों में ऐसा नहीं होता है, मछलियां कोल्ड ब्लडेड होती है, इनका शरीर का तापमान पानी के हिसाब से चेंज हो सकता है। क्यों होता है? इसका कारण ये है कि देखो ठंड के दिनों में ठंड इतनी पड़ जाती है कि पानी जम भी जाता है, बर्फ जितना पानी हो जाता है। तो अगर मछलियां गर्म होती, हम लोग भी जैसे बहुत दिनों तक पानी के अंदर पड़े रहेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, यहां तक हमारी डेथ भी हो सकती है, ये चीज होती है। तो वैसे ही अगर मछलियों का जो रक्त होता वो गर्म खून वाली मछलियां होती तो पानी के अंदर तो उनकी मृत्यु हो जाती। यही कारण है वो अपने शरीर के तापमान को पानी के तापमान के हिसाब से एडजस्ट कर सकती है, और इसी क्वालिटी को शीत रुधिर कहा जाता है, इसी को कोल्ड ब्लडेड जंतु कहते हैं। हम कैसे हैं? हम गर्म रुधिर वाले हैं, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, इनकी एज लिमिट बदलती रहती है, मिस क्यूटी अलग अलग हो सकती है, है ना। इसको बिल्कुल मयूर, इसको शीत रुधिर वाले या असमतापी भी हम बोल सकते हैं। असमतापी मतलब इनका शरीर का तापमान कभी भी समान नहीं होता है। अगली चीज, मछलियां जो होती है इनका शरीर नुकीलाकार नौकाकार होता है जो पानी को आराम से कट कर सकती है। इनके अंदर मतलब बोल सकते हैं मछलियां अंडे देती हैं। कैसी होती है? ओवीपेरस होती है, अंडे देने का कार्य करती है। मछलियों का हृदय दो कक्षों का होता है, दो कक्षों का हृदय। हार्ट कैसा होता है इनका? टू चैम्बर्ड। ठीक है, दो कक्षों का हृदय होता है। मेन तो ये चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी। चलिए, सो गाइस यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। देखिए मत्स्य वर्ग, इनके अंतर्गत मछलियां आती है जो मराइन भी हो सकती है और फ्रेश वाटर भी हो सकती है। मराइन का मतलब समुद्र पानी में, और फ्रेश वाटर मतलब ताजे पानी में। यह अनियमित तापी जंतु होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे रुधिर वाले होते हैं, मतलब इनके शरीर का तापमान वातावरण के हिसाब से बदल सकता है। इनका शरीर धारा रेखित होता है, मतलब कि बोल सकते हैं स्पिंडल शेप्ड होता है। आगे देखिए, इनमें श्वसन किससे होता है? गिल्स से होता है। मछलियां किससे सांस लेती है? गलफड़ों से या गिल्स से सांस लेती है। इनका हृदय दो कक्षों का होता है। ठीक है, उदाहरण में देख लो, उदाहरण में यहाँ बता देती हूँ, ये जो मछलियाँ आपको बोर्ड पे दिख रही है जैसे शार्क है, टॉर्पीडो है, ये मछली आपको दिख रही है। सो गाइज यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही है क्या? ये मछलियों के शरीर एकदम चिकने हैं। तो ये मछलियाँ उपास्थि वाली मछलियाँ, जिनमें हड्डियाँ नहीं होगी, उपास्थि होगी। फिर आप ये टॉर्पीडो नाम की मछली है। चलो सेकेंड देखो, ये स्पिंडल शेप्ड बॉडी, मतलब जिनका जो बॉडी है आगे से और पीछे से कैसी होती है? नुकीली होती है, कोने से। सो गाइस इनके ऊपर आप देख रहे हो, इनके ऊपर कैसे शाइनिंग वाले आपको दिख रहे हैं कि चमक दिखाई दे रही है, ये किसके कारण? शल्क पत्रों के कारण। मछलियां एग कहाँ देती है? तो मछलियां अपना घोंसला बनाती है, कुछ मछलियां तो है ना, बकायदा वो झाड़ियों के अंदर पत्थरों के अंदर नीचे घुस के वो अंडे देती है। ठीक है, बिल्कुल नागेश मैं यही चीज बता रही हूँ आपको, बर्फ कितनी भी ऊपर तक जम जाए पर बर्फ जो है पानी के अंदर तक पूरी नहीं जमती है। जैसे कि आपकी भी जो टंकी होती है, टंकी मतलब घर में जो टंकी होती है पानी की टंकी, ऊपर से पानी का तापमान अलग होता है, नीचे गहराई में तापमान अलग होता है, उसका दाब भी कम होता है। सो नीचे की तरफ पानी जमता नहीं है, बर्फ जो है ऊपर ऊपर की तरफ ही सिर्फ जमती है।
आर्थ्रोपोडा बड़ा है कि या कॉर्डेटा बड़ा है? सो गाइस देखना, मैंने यहाँ पर रमन, मैं आपको बता दूं, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर आर्थ्रोपोडा बड़ा है और पूरे जंतु जगत में कॉर्डेटा बड़ा है, ठीक है? मैं अभी उसकी संख्या भी आपको बता दूंगी रमन, किसमें कितनी जीवों की संख्या है। चलो, सो ये था मछलियों के बारे में। उदाहरण है रोहू मछली, कतला मछली, एनाबस, मृगला, शार्क मछली, वेल मछली, सारी मछलियां जितने नाम आपको आते हैं, गोल्ड फिश वगैरह, सब मत्स्य वर्ग में आती है। चलिए दूसरा पॉइंट देखें, उभयचर। उभयचर को समझ लेते हैं फटाफट से। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एम्फीबियन। आदर्श मेरी क्लासेस का टाइमिंग 11 बजे से रहता है, ठीक है? सो यहां पर देखो, उभयचर क्या होते हैं? इस वर्ग के सदस्य जल और थल दोनों जगह पाए जाते हैं। उभयचर, उभय का मतलब है दोनों और चर का मतलब है रहने वाले। सो ऐसे जीव जो पानी और थल दोनों जगह रह सकते हैं, जो जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं, उनको उभयचर कहा जाता है। इंग्लिश में मैं बोलूं तो दोस ऑर्गेनिज्म विच कैन लिव बोथ लैंड एज वेल एज वाटर, जो दोनों जगह रहते हैं, पानी और स्थल दोनों जगह रहते हैं, उभयचर कहलाते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जैसे मेंढक। मेंढक क्या है? उभयचर है। सो मेंढक में भी क्या होता है, ये कोल्ड ब्लडेड है, अपने शरीर के तापमान को बदल सकते हैं। इनकी त्वचा पर शल्क, बाल, पंख नहीं होते, इनकी त्वचा चिकनी होती है। मेंढक को अगर आप देखो तो ऊपर से कैसे दिखाई देंगे, वो एकदम चिकने से दिखाई देते हैं। आगे देखिए, इनका अंतः कंकाल हड्डियों का बना होता है, जो कि मैंने आपको बताया। इनके हृदय में दो आलिंद और एक नीलय होता है, मतलब उभयचरों का हृदय तीन कक्षों का होता है। मेंढक का दिल कितने कक्षों का होगा? तीन कक्षों का, थ्री चैम्बर हार्ट होता है, और मछलियों में टू चैम्बर्ड हार्ट, उभयचर में तीन कक्षों का। आगे देखिए, इनमें बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मेंढक में भी प्रजनन कैसे होता है? नर मेंढक क्या करता है, अपने स्पर्म्स को या शुक्राणु को पानी में डाल देता है, मादा मेंढक अपने अंडे को पानी में डाल देती है, और पानी के अंदर दोनों मिलते हैं, जिस क्रिया को निषेचन कहते हैं। और फिर पानी के अंदर ही उनके अंडे परिपक्व होकर टेटपॉल में बदलते हैं, और वही टेटपॉल आगे जाकर के मेंढक में बदल जाता है। आगे देखें, इसके उदाहरण देखो आप। उदाहरण में आपको दिख रहा है राना टिग्रिना, या राना जो है प्रोटिस्टियोसा, ये भी एक प्रकार का क्या है? मेंढक। सेम यहां पर आपको दिख रहा है बुफो, बुफो भी क्या है? एक प्रकार का मेंढक है। सो गाइस, इसके अलावा इसमें क्या आती है, इसमें एक प्रकार की मछली आती है जिसको सेलामेंडर कहा जाता है। तो यहां पर मैं नाम थोड़े से लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण, उदाहरण में आपको याद रखना है मेंढक, और याद रखना है सेलामेंडर। क्या याद रखना है? सेलामेंडर। सो गाइस, ये है इसके उदाहरण, जिसमें से आपको सिर्फ एक ही उदाहरण मेनली याद रखना है, जिसका नाम है मेंढक और दूसरा है सेलामेंडर, ठीक है? इनके शरीर पे आपको दिख रहा होगा ये बहुत चिकने से होते हैं, और ये भी पानी में रहती है। कहाँ रहती है? पानी के अंदर, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखें आप, ये था उभयचर। अब उभयचर के बाद नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है? सरीसृप, जिसको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं। रेप्टाइल्स को देख लें फटाफट से। देखें, सरीसृप या रेप्टिलिया क्या होते हैं? देखिए, नाम से ही समझ में आएगा आपको, सरी का मतलब होता है रेंगने वाले। सरी का मतलब क्या होता है? रेंगने वाले। और सृप मतलब सांप, मतलब ऐसे जानवर जो सांप की तरह रेंगते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सरीसृप कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स, मतलब अब इनको इंग्लिश में हम क्रॉलिंग एनिमल या क्रीपिंग एनिमल्स भी बोलते हैं। क्रीपिंग मतलब जो अपने शरीर को जमीन से चिपका के चलते हैं, उनको हम सरीसृप कहते हैं, ठीक है? जो एनिमल अपने शरीर को चिपका के चलेंगे धरती से या थोड़े से ऊपर करके चलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सरीसृप। जिसमें आ जाएंगे आपके मगरमच्छ है, आपके घड़ियाल है, कछुआ है ना, तो ये सांप है, ये किसमें आ जाएंगे? इसमें छिपकलियां हैं। सो ऐसे चार पैरों वाले जंतु जिनमें पूंछ भी पाई जाती है, साथ साथ में ये अपने शरीर को रगड़ के या घिस के चलते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके सरीसृप कहलाते हैं। विवेकानंद यादव जी, मैं बताती हूँ आपको, है ना? चलो देखें, यहाँ पे सरीसृप क्या होते हैं? ये मेनली स्थलवासी होते हैं, मतलब टेरिस्ट्रियल होते हैं, लेकिन कुछ जंतु होते हैं जलवासी भी होते हैं, मतलब मेनली आर लैंड रेप्टाइल्स, बट सम ऑफ देम आर एक्वेटिक रेप्टाइल्स। जैसे जैसे मगर है और घड़ियाल है, ये पानी में रहते हैं, बाकी के आपके कहाँ मिलेंगे? जमीन पे। चलो, ये थल पर रेंग कर चलते हैं, इसीलिए इसको रेप्टिलिया के नाम से जानते हैं। रेप्टिलिया मतलब घिस के या रेंग कर चलने वाले। ये अनियमित तापी होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड ही होते हैं ये भी। मछलियां भी कोल्ड ब्लडेड है,
मतलब असमतापी ठंडे खून वाले मछलियां भी, मेंढक मतलब आपके उभयचर वाले भी और सरीसृप भी, तीनों के तीनों कैसे होते हैं, अनियमित जंतु होते हैं, मतलब इनका ठंडा खून होता है। इनकी त्वचा रूखी या ड्राई होती है, ये चीज़ याद रखना। जैसे मेंढक की त्वचा चिकनी थी ना, इनकी जो थी इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई या सूखी सी होगी, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ बोल सकते हैं शल्क पाए जाएंगे या कांटे पाए जाएंगे। जैसे अगर आप उसको देखो मगरमच्छ को, तो मगरमच्छ के ऊपर प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर दिखता है, सेम वही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं। इनमें किसी प्रकार की ग्रंथियां नहीं होती, इनके शरीर के ऊपर किसी प्रकार की ग्रंथि नहीं होती कि म्यूकस निकले या तेल निकले या पसीना निकले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इनमें श्वसन जो है वो फेफड़ों से होगा। ठीक है, इनमें फेफड़े पाए जाते हैं। इनका भी हृदय तीन कक्षों का होता है, दो आलिंद एक नीलय। मछलियों का हृदय दो कक्षों का, उभयचर का तीन का, इनका भी तीन का, पर अपवाद है मगरमच्छ। मगरमच्छ को छोड़ के बाकी के सारे सरीसृपों का हृदय तीन कक्षों का होता है, मगरमच्छ का चार कक्षों का होता है। आगे देखें, इनमें निषेचन अंतः होता है, परंतु ये भी अंडे ही देते हैं। सांप के भी अंडे होते हैं, तो सभी ये उभयचर के भी अंडे होंगे, मछलियों के भी और सरीसृपों के भी। आगे देखें, इनके अंडे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, चूनेदार होते हैं। चूनेदार मतलब एक कवच होता है सफेद रंग का, कैलकेरियस का। ठीक है, उदाहरण देख लें, यहाँ पर कछुआ आ जाएगा इसमें, छिपकलियाँ आ जाएगी घरवाली, नाजा करेत मतलब ये सांपों के प्रकार है, नाजा मतलब कोबरा, अजगर भी इसमें आ जाएगा, मगरमच्छ आ जाएगा, घड़ियाल आदि। चलिए इसके उदाहरण देख लें। देखें रेप्टाइल्स के यहाँ पर एग्जांपल दिख रहे हैं आपको। शिवम यादव, डॉल्फिन जो है स्तनधारी में आती है, उसका कारण मैं बताऊंगी आगे आपको। ठीक है, आगे देखो, चलो आगे देखना। स्नेक में नहीं होते हैं, पर स्नेक के ऊपर नितेश जो एक शल्क तो पाया ही जाता है ना, शल्क पत्र। चल आगे देखिए, तो रेप्टाइल्स जो है इसके जो ये बोल सकते हैं कछुआ, कछुए के ऊपर भी देखना इसकी स्किन बहुत ड्राई होती है, अजगर इसमें आ जाएगा, कछुआ जो है इसमें भी देखो पूछ पाई जाती है, रेंग के चलते हैं। घड़ियाल जो है ये भी अपने आप को रेंग के चलते हैं, घिस के चलते हैं, इसमें ये जो है मॉनिटर लिजार्ड जिसको घोरपड़ के नाम से भी हम जानते हैं वो भी आ जाएगा, मगरमच्छ भी आ जाएगा। ये सारे क्या है, सरीसृप है या रेप्टाइल्स है। ठीक है, चल आगे देखिए, रेप्टाइल्स के बाद आते हैं पक्षी वर्ग। अब पक्षी वर्ग को भी आप समझना, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी हम जो जानवर के बारे में पढ़ रहे हैं वो टेट्रापोडा पढ़ रहे हैं, मतलब चार पैर वाले। अब अभी तक हमने मछलियों के बाद से जितने जानवर पढ़े थे वो टेट्रापोडा थे। उभयचर के जैसे मेंढक, उनमें भी चार पैर थे। उसके बाद हमने पढ़ा सरीसृप, उनमें भी चार पैर थे, पर सरीसृप में इकलौती ऐसी प्रजाति है सांप, सांप के चार पैर नहीं होते, बाकी सारे सरीसृपों के चार पैर होते हैं। अपवाद है ना, टेट्रापोडा का अपवाद क्या है, सांप या स्नेक। चलो आगे देखें, पक्षी वर्ग जो होते हैं, अब ये वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। मछलियाँ, उभयचर, सरीसृप मतलब फिश, आपके एम्फीबिया और रेप्टिलिया, ये तीनों भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, पर पक्षी जो होते हैं वो गर्म खून वाले होते हैं। ये हवा में उड़ते हैं, इनके आगे के जो हाथ हैं मतलब अग्रपाद जो है वो पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। इनके शरीर पर पूरे फर लगे होते हैं जो कि इनको उड़ने में इजी बनाते हैं। इनका मुंह जो होता है चोंच में रूपांतरित हो जाता है जो कि नुकीला होता है। इनके मुंह में दांत नहीं पाए जाते पक्षियों के। इनका हृदय चार कक्षों का बना होता है, इनमें हार्ट में चार कक्ष होते हैं। अभी आपने देखा उभयचर और सरीसृप में तीन कक्षों का हृदय, पक्षी और स्तनधारी में चार कक्षों का हृदय पाया जाता है। ठीक है, इनकी उंगलियां जो होती है उसके ऊपर नख या क्लैव्स पाए जाते हैं जो कि किसी चीज को पकड़ने का कार्य करती है। ठीक है, नेहा छिपकलियों में उत्सर्जन होता है, वो यूरिक अम्ल का त्याग करती है। यूरिक अम्ल ठोस प्रकार का होता है, ब्लैक कलर की आपने बीट के फॉर्म में देखा होगा, उसी के रूप में वो उत्सर्जन करती है। ठीक है, चले अब आगे देखें, इनमें भी श्वसन फेफड़ों से होता है, हृदय चार कक्षों का होता है, और ये भी अंडयूज होते हैं, मतलब ये भी अंडे देने का कार्य करते हैं। फिर पक्षियों में उदाहरण में सब आ जाएंगे, कबूतर है ना, इसके बाद कीवी आ जाएगा, इसके अलावा किंगफिशर आ जाएगा, ऑस्ट्रिच है मतलब शुतुरमुर्ग। अब एक चीज याद रखो, इसके कुछ फैक्ट्स मैं बता देती हूँ पक्षियों से आपको देखना। मोर के बारे में तो आपको पता ही, हमारा नेशनल क्या है, बर्ड है मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ा पक्षी किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रिच को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रिच को। इसके अलावा तेज दौड़ने वाला पक्षी भी किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग को कहा जाता है। सबसे बड़ा अंडे देने वाला पक्षी भी कौन सा है, ऑस्ट्रिच ही है।
इसके अलावा जो बर्ड उड़ नहीं सकती उसमें आप लिखेंगे कीवी, कीवी जो है वो उड़ नहीं सकती, ठीक है। चल अब आगे देखें, उदाहरण देख लो आप यहाँ पर, क्रो, पिजन, ऑस्ट्रिच, ये सभी के उदाहरण आपको मिल गए हैं। कीवी जो है वो दौड़ लगाती है ना, उड़ती नहीं है। चल नेक्स्ट, तो ये था। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग है, तो सबसे छोटा कौन सा है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड जो होता है वो सबसे छोटा पक्षी होता है, और वो हवा की विपरीत दिशा में भी उड़ सकता है। ये भी था कि ये क्वेश्चन आ जाता है, हवा की विपरीत दिशा में उड़ने वाला पक्षी कौन है, मतलब हवा के अपोजिट डायरेक्शन में भी उड़ सकता है हमिंग बर्ड, ठीक है। चल नेक्स्ट देखेंगे आप, स्तनधारी, हमारा लास्ट टॉपिक है ये आज का, स्तनधारी, ठीक है। चलो, स्तनधारी क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण होंगे जो किसी जीव को मैमल बनाते हैं या स्तनधारी बनाते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पे, बिल्कुल मयूर कीवी छोटी होती है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है। हाँ, इसका पीडीएफ जो है मैं जल्दी आज डलवा दूंगी, पक्का है ना आपके, आज कितने 3 बजे के पहले तक डलवा दूंगी मैं। ऑस्ट्रिच भी नहीं उड़ती है, बिल्कुल अमरनाथ जी, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ती है पर ये रन करती है। पर ऑस्ट्रिच के जो है पंख वो होते हैं, वो एक साइड तक जंप कर सकती है। जैसे मुर्गा, मुर्गा या आप जितने भी मुर्गा मुर्गी ये जो होंगे, ये भी प्रॉपर उड़ते नहीं हैं, पर ये एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ के काफ़ी छज्जे तक उड़ सकते हैं, उतना ऑस्ट्रिच जो है एक हाइट तक उड़ सकता है ना। चल आगे देख, ओके गाइज, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, स्तनधारी। स्तनधारी वो जंतु होते हैं जो गर्म रुधिर वाले होते हैं, ठीक है। इनका शरीर का तापमान बाहर वातावरण के हिसाब से बदलता नहीं है। अब मैं कुछ लक्षण बताऊंगी, वो लक्षण ही आप लोगों को स्तनधारी बनाते हैं। क्या लक्षण होंगे देखें आप, पहला, शरीर पर बालों की उपस्थिति। जिस भी एनिमल के शरीर पर बाल उपस्थित है मतलब वो स्तनधारी है। नेक्स्ट देखो, इनकी त्वचा में स्वेद ग्रंथि और तेल ग्रंथि पाई जाती है, मतलब स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड मतलब पसीने की ग्रंथि, और तेल की ग्रंथि मतलब शिबिसियस ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड पाई जाती है किसके ऊपर? स्तनधारी के ऊपर। आप भी जब सुबह उठते हैं, नाक के आसपास तेल निकलता है, तो तेल की ग्रंथि सिर्फ स्तनधारी में होती है, बाकी किसी भी बोल सकते हैं एनिमल्स में क्या नहीं होती है, तेल की ग्रंथि नहीं होती। मादा में स्तन ग्रंथियां दुग्ध ग्रंथियां कहलाती है, फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स होती है, और ये मेमरी ग्लैंड के कारण ही स्तनधारियों को मैमल्स कहा जाता है। स्तनधारी मतलब जिनमें स्तन ग्रंथि उपस्थित है, जिनमें ये ग्रंथि स्तन ग्रंथियां विकसित होकर के फीमेल्स में ये ज्यादा विकसित होती है और दुग्ध का निर्माण करती है जो बच्चों के पोषण के लिए आवश्यक होता है। आगे देखें, ओके, ये इनमें श्वसन जो होता है फेफड़ों से होता है, उत्सर्जन किडनी से होता है, इनका हृदय 4 कक्षों का होता है, इनमें अंतः निषेचन होता है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बच्चों को जन्म देते हैं। क्या करते हैं ये, कैसे होते हैं ये? वीवीपेरस होते हैं। वीवीपेरस का मतलब जो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। ओवीपेरस मतलब जो अंडे देते हैं, तो ये बच्चों को जन्म देते हैं। उदाहरण देख लें आप, कंगारू, कुत्ता, बाघ, शेर है ना, भारतीय हाथी मतलब इंडियन एलिफेंट्स है, ब्लू वेल मनुष्य आदि। वेल मछली को भी स्तनधारी में रखा गया है, डॉल्फिन मछली को भी स्तनधारी में रखा गया है। और आपको ये चीज़ पता होगी शायद कि वेल मछली एक प्रकार की शार्क है, शार्क को भी स्तनधारी में रखा है। क्यों, उसका कारण मैं बताती हूँ। वेल मछली जो होती है उसके नीचे के शरीर पे बाल पाए जाते हैं, उस पर भी बाल उपस्थित है, मतलब वो स्तनधारी है। दूसरी चीज़, वो भी बच्चों को जन्म देती है, इसलिए वो भी क्या है, स्तनधारी है। सो उनके अंदर भी अंतः निषेचन होता है, वो अंडे नहीं देती है, बच्चे देती है, इसीलिए वो स्तनधारी है, ठीक है। चल सो गाइज, यहां तो क्लियर है। सो मैंने आपको ये टॉपिक आज का जो था वो क्लियर कर दिया। ब्लू वेल के अलावा है ना, मैंने बता दिया डॉल्फिन, वो भी मैमल्स में मानी जाती है वो मछलियां, पर उनमें ऐसे लक्षण होते हैं जो कि स्तनधारी की पहचान है, इसीलिए उनको भी स्तनधारी में रखा जाता है। ओके गाइज, और कुछ डाउट्स है इसमें से तो आप मुझसे पूछ लो, नहीं तो मैं अभी आपसे आगे का बताती हूँ, है ना। देखे उदाहरण देख लो स्तनधारी के, भेड़े भी आ जाएंगी, बाघ आ जाएंगे, कंगारू आ जाएंगे, वेल मछली है, ये सारे इसके उदाहरण हैं। आरती, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। जो वेल मछली होती है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा गेस्ट्रेशन पीरियड मतलब उसके प्रजनन काल बहुत लंबा सा होता है ना। देह गुहा मतलब होता है शरीर के अंदर की बॉडी कैविटी, हमारे शरीर के अंदर की गुहा, उसको देह गुहा कहा जाएगा,
जी मयूर, आप ही के क्वेश्चन का आंसर दिया है मैंने, ठीक है? चलो क्वेश्चन कर लूं मैं फटाफट से. जप नाम क्या बोल रहे हैं अक्षय? शुतुरमुर्ग हमारे यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं है, पर है सेंचुरीज वगैरह में लाए गए हैं, मुख्य रूप से वो भी आउटसाइडर ही है. वास्तविक मछली किसे कहा जाता है? मैं बता देती हूँ, वो मछलियाँ जिनके अंदर पेल्विक फिन्स, पेक्टोरल फिन्स प्रॉपर हो, उनकी बॉडी स्पिंडल शेप्ड हो, हृदय दो कक्षों का बना हो, उसके ऊपर शल्क पत्र की उपस्थिति हो, वास्तविक मछलियाँ कहलाती है. जैसे उदाहरण में बता दूँ आपको, उदाहरण में स्कैलियोडॉन एक वास्तविक मछली है, जिसको कुत्ता मछली भी कहते हैं, डॉग फिश, ठीक है? सोना, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर देती हूँ. मछलियों में अलग अलग टाइम पे बच्चे देती है, उनका कोई फिक्स नहीं होता है, 15 डेज भी हो सकते हैं. वेल फिश मैमल्स में इसलिए गिनी जाती है सोनम, क्योंकि उनके शरीर पे बाल पाए जाते हैं और वो बच्चों को जन्म देती है. बिल्कुल बिल्कुल अरुण कुमार सही बोल रहे हैं. चलिए सो मिस क्यूटी, अपन अब कल तो छुट्टी रहेगी हमारी, मंडे से अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे. सो गाइज, अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स फैक्ट्स वाली चीज़ें बता देती हूँ, आपको जो चीज़ें याद रहेगी, है ना? ओके गाइज, तो देखें यहाँ पर सबसे पहली चीज़, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे बड़ा जो संघ है वो क्या है? आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा में जुड़े हुए पैर, मतलब जिनमें 3 जोड़ी से ज़्यादा पैर पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा, जिसके उदाहरण है कॉकरोच. नेक्स्ट चीज़ आती है कॉकरोच और सारे कीड़े मकोड़े. मोलस्का वो जीव होते हैं जिनका शरीर नरम होता है और ऊपर एक कवर पाया जाता है, जिसमें आ जाएगा ऑक्टोपस, बाकी आपका सीप मतलब घोंगा, ये भी उसके अंदर आ जाएगा, है ना? स्नेल भी उसका उदाहरण है. इसके अलावा अमीबा पैरामिशियम किसके अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? स्तनधारियों की मुख्य पहचान क्या है? शरीर पर बालों की उपस्थिति, तेल की, पसीने की और दुग्ध ग्रंथियां पाई जाना. नेक्स्ट, ये बच्चों को जन्म देते हैं, इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है. मछलियों का हृदय 2 कक्षों का, उभयचरों का हृदय 3 कक्षों का, सरीसृप का भी 3 कक्षों का, अपवाद है मगरमच्छ जिसका 4 कक्षों का, और आपके पक्षी और स्तनधारियों का हृदय भी 4 कक्षों का पाया जाता है, ठीक है? ओके, सो अगला चैप्टर आपको पता चलेगा मंडे को कि हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है गाइस? तो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. एंड हाँ, आपको अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन करें, मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगी, ठीक है? और पीडीएफ जल्दी से जल्दी आपको आज की तारीख में मिल जाएगा. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.